हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉन डन की एक पोएम प्रेजेंस इन एब्सेंस। और इस पोएम को उन्होंने अपने वाइफ एन के ऊपर लिखी थी जब वो अपने ऑफिस वर्क के मीटिंग के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे। तब उस टाइम उन्होंने इस पोएम को अपने वाइफ के लिए लिखी थी। और इस पोएम में उन्होंने लिखा था कि ये दूरियां जो हैं सिर्फ कुछ दिनों की हैं, दूर होने से ये जो हमारे बीच का प्रेम है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि हमारा प्रेम और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। यानी जॉन डन का कहने का मतलब ये था इस पोएम में कि भले ही मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ये दूरियाँ सिर्फ कुछ दिनों की हैं और फिर ये समाप्त तो हो जाएंगी। तो ठीक उसी तरह इस पोएम का टाइटल भी है प्रेजेंस इन एब्सेंस। प्रेजेंस मतलब होता है कहीं पर मौजूद होना, एब्सेंस मतलब होता है कहीं पर मौजूद न होना, यानी गैर हाजिरी होना। यानी प्रेजेंस इन एब्सेंस हुआ कहीं पर ना होते हुए भी वहाँ पर मौजूद होना, यानी प्रेजेंस इन एब्सेंस, यानी कहीं पर ना होते हुए भी मौजूद होना। तो मतलब यही हुआ कि मेरी वाइफ तुम मेरे पास तो नहीं रहोगी, मेरी प्रेमिका तुम मेरे पास नहीं रहोगी, फिर भी तुम मेरे पास मौजूद रहोगी, यानी गैर हाजिरी में मौजूद रहोगी। तो सुरेन, अब बात करते हैं इस पोएम की राइम स्कीम की। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आपकी पोएम है वो फोर स्टेट में डिवाइड है। और जो आपका राइम स्कीम है इस पोएम का वो है ए बी बी ए सी सी। तो अब इसको पहले समझ लीजिए कि राइम स्कीम क्या होता है, क्योंकि राइम स्कीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में पोएम का एक स्टेंजा देके आपसे राइम स्कीम पूछ सकता है। तो अगर आपको ये एक स्टेंजा दे दिया जाए कि इसका राइम स्कीम क्या है बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। राइम स्कीम समझने के बाद हम पोएम को स्टार्ट करेंगे और लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे। तो देखिए, अगर आपको इसका राइम स्कीम देखना है तो देखिए, सबसे पहले आप पहले लाइन का लास्ट का वर्ड देखिए, क्या है? प्रोटेस्टेशन, प्रोटेस्टेशन। दूसरी लाइन का है स्ट्रेंथ। तो चलिए, ये हो गया हमारा ए, प्रोटेस्टेशन हो गया हमारा ए। उसके बाद हो गया स्ट्रेंथ। उसके बाद तीसरी लाइन में है लेंथ, स्ट्रेंथ लेंथ। तो इनका देखिए राइम स्कीम, जब इसको मैं बोल रही हूँ तो दोनों मैच हो रहा है, स्ट्रेंथ लेंथ मैच हो रहा है। तो ये हो गया बी, यानी दूसरी लाइन का राइम स्कीम बी हो गया, और तीसरी लाइन का भी मैच कर रहा है तो ये भी बी हो गया, ये हमारा ए था। अब आ जाते हैं चौथी लाइन पे। तो देखिए क्या है, अल्ट्रेशन। अब इसको मिलाइए, प्रोटेस्टेशन अल्ट्रेशन, तो ये दोनों का राइम स्कीम मैच हो रहा है, तो ये हमारा ए था, इसलिए ये भी हमारा ए हो गया। तो इससे देखिए ए बी बी ए। अब देखिए पांचवी लाइन में मेटल, छठी लाइन में सेटल, मेटल सेटल, इसका भी राइम स्कीम मैच हो रहा है, सेम है। तो ये हो गया सी, ये हो गया सी। तो ए बी बी ए सी सी। तो इस तरह से होता है राइम स्कीम। तो इसी तरह से इसका जितना भी सेस्टेट है यानी स्टेंजा है, इसी तरह से इसका राइम स्कीम आएगा। यानी प्रेजेंस इन एब्सेंस का अगर राइम स्कीम पूछ दिया जाए तो ए बी बी ए सी सी। तो आई होप कि आपको राइम स्कीम समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, मैंने इंग्लिश सनेट और इटालियन सनेट के राइम स्कीम के ऊपर भी वीडियो बना दिया है कि उनका राइम स्कीम कैसा है। मैंने पूरा एग्जांपल के साथ वीडियो बना दी है। मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंस इन एब्सेंस। और जॉन डन की बायोग्राफी के ऊपर मैंने एक वीडियो पूरा बना दिया है, आप उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखिए, एब्सेंस हियर दाउ माई प्रोटेस्टेशन। एब्सेंस यानी गैर हाजिरी, यानी जहाँ पे मौजूद न हो, एब्सेंस यानी गैर हाजिरी। हियर दाउ माई प्रोटेस्टेशन, प्रोटेस्टेशन मतलब होता है विरोध करना। हियर यानी सुनना, यानी गैर हाजिरी मेरे विरोध को सुनो। अगेंस्ट दाई स्ट्रेंथ डिस्टेंस एंड लेंथ, जो तुम्हारे ताकत लंबाई और दूरी के खिलाफ है।
तो यहाँ पे देखिए अगेंस्ट यानी खिलाफ, स्ट्रेंथ ताकत, डिस्टेंस दूरी एंड लेंथ। तो यहाँ पे जॉन डन कह रहे हैं कि जो गैर हाजिरी है, तुम मेरे विरोध को सुनो जो तुम्हारी ताकत लंबाई और दूरी के खिलाफ है। डू वॉट दो कॉन्स्ट फॉर अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन मतलब होता है चेंज करना या बदलना। तो यहाँ पे कह रहे हैं यानी तुम जो कुछ भी कर सकते हो इन्हें बदलने के लिए वो करो। किन्हें बदलने के लिए यहाँ पे बात हो रही है? यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि तुम मेरे प्यार को बदलने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो तुम वो सब कुछ कर लो। फॉर हर्ट्स ऑफ ट्रूएस्ट मेटल, जिनके दिल में सच्चा साहस होता है। मेटल मतलब साहस, हर्ट्स यानी जिनके दिल में सच्चा साहस होता है। एबसेंस डॉट ज्वाइन एंड टाइम डॉट सेटल। एबसेंस यानी गैर हाजिरी, ज्वाइन उन्हें जोड़ देती है, टाइम उन्हें मिला देता है। यानी इस स्टेंजा में जॉन डन कहते हैं कि गैर हाजिरी, तुम मेरे विरोध को सुनो जो तुम्हारी ताकत लंबाई और दूरी के खिलाफ है। यानी तुम मेरे प्यार को बदलने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वो तुम कर लो, लेकिन जिनके दिल में सच्चा प्रेम होता है, सच्ची साहस होती है, उनको कोई कभी अलग नहीं कर सकता। वो चाहे एक दूसरे से कितना भी दूर हो, और जो गैर हाजिरी है उन्हें मिला देती है और टाइम उन्हें जोड़ देता है, एक साथ मिला देता है। यानी कि वो अलग है अपनी वाइफ से, वो कहीं गए हुए हैं, वाइफ घर पे हैं, तो जो गैर हाजिरी है, जो एब्सेंस है, उन्हें अपने ख्यालों में, अपने दिलों में उनको जोड़े रखता है। अब आ जाते हैं आपके दूसरे स्टेंजा पे। देखिए, हु लव्स अ मिस्ट्रेस ऑफ सच क्वालिटी। इसमें पोएट कहते हैं कि वह अपनी वाइफ को बहुत ही उत्तेजना के साथ प्रेम करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक, यानी कि जॉन डन कह रहे हैं कि वो अपनी वाइफ को एक उत्तेजना के साथ, एक सच ऑफ सच क्वालिटी यानी एकदम सच्चा प्रेम करते हैं। और यहाँ पे जॉन डन हर प्रेमी को यही बता रहे हैं कि अपनी प्रेमिका से हमेशा उत्तेजना के साथ और एक साहस के साथ और हमेशा सच्चा प्रेम करना चाहिए। His mind hath found affection's ground. उनके माइंड ने प्यार के लगाव को समझ लिया है। Beyond time, place and all mortality, यानी समय और जगह के बदलने पर वह प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ तक कि वह प्रेम मृत्यु पर भी खत्म नहीं होगा। यानी इस लाइन में पोएट का ये कहना है कि टाइम बदलने से या जगह बदलने से जो प्यार है वो कभी बदल नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अगर मौत भी आ जाए तो भी हमारा प्रेम समाप्त तो नहीं होगा। टू हार्ट्स दैट कैन नॉट वेरी। तो स्टूडेंट्स, वेरी मीन्स होता है चेंज होना या परिवर्तन होना। तो टू हार्ट्स दैट कैन नॉट वेरी, वो कहते हैं कि जो प्यार, जो दिल सच्चा प्रेम करता है किसी इंसान से, तो वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। यानी अगर वो एक दूसरे से दूर भी हो जाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, तो भी उनका प्यार कभी बदलेगा नहीं। कैन नॉट वेरी, वेरी मीन्स होता है चेंज होना यानी बदलना, तो वो कभी बदलेगा नहीं। एब्सेंस इज प्रेजेंट, टाइम डोंट टैरी। एब्सेंस इज प्रेजेंट, और उनके लिए यानी जो दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं उनके लिए गैर हाजिरी में भी मौजूदगी हो जाती है। यानी वहाँ पे मौजूद न होकर भी उनके प्रेमी या प्रेमिका उनके पास मौजूद होते हैं, उनके दिल में, उनके ख्यालों में, उनके विचारों में। टाइम डोंट टैरी, टैरी का मतलब है स्टूडेंट्स रुक जाना। तो वक्त भी यानी टाइम भी उनके लिए रुक जाता है, ठहर जाता है, और फिर जब ये दूरियां खत्म होती हैं तो वो लोग मिल जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं आपके तीसरे स्टेंजा में। तो देखिए, माय सेंसेस वांट देयर आउटवर्ड मोशन। तो इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि जो मेरी भावनाएं हैं वो अब बाहर की गति चाहती हैं। विच नाउ विद इन रीजन डोथ विन, जिन्होंने मेरे अंदर की बुद्धि को जीत लिया है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे रीजन का मतलब कारण नहीं है। यहाँ पे रीजन को पोएट ने विजडम के लिए यूज किया है। विजडम मतलब बुद्धि, विन मतलब जीतना।
तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जो मेरी भावनाएं हैं वो अब बाहर की गति को चाहती हैं, क्योंकि उसने मेरे अंदर की बुद्धि को जीत लिया है। रिडबल्ड बाई हर सीक्रेट नेशन, यहाँ पर पोएट कहते हैं कि उसके गुप्त विचारों ने उसको दोगुना खुश कर दिया है। नेशन मतलब होता है स्टूडेंट आइडिया या विचार, सीक्रेट यानी गुप्त। तो यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं कि जो मेरे गुप्त विचार हैं, सीक्रेट विचार हैं, उन्होंने मुझे दोगुना खुश कर दिया है। यानी पोएट का कहना ये है कि जो प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से दूर हैं, मिल नहीं सकते, और इससे क्या होता है ना कि जो दुनिया के लोग हैं वो हमारे प्रेम को देख भी नहीं पाते और हमारा जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है वो हमेशा बना रहता है। उनके लिए एब्सेंस ही प्रेजेंट होता है। लाइक रिच मैन दैट टेक प्लीजर इन हाइडिंग मोर देन हैंडलिंग ट्रीजर। सो स्टूडेंट अब इसको समझिए, लाइक रिच मैन, जिस तरह से अमीर आदमी That take pleasure, खुशी महसूस करता है in hiding more than handling treasure. Hiding मतलब छुपाना, छुपाने में। तो यहाँ पे इन दो लाइन्स में पोइट का कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से अमीर आदमी अपने पैसों को छुपा कर रखने में ज्यादा खुशी महसूस करता है, ना कि अपने पैसों को खर्च करने में, ठीक उसी तरह सच्चा प्रेमी भी अपनी प्रेमिका को दुनिया से छुपा कर रखने में ज्यादा खुशी महसूस करता है। यानी पोएट का ये कहना है कि जिसमें प्रेमी अपने प्रेमिका को दुनिया की नजर से छुपा कर रखता है तो वही अच्छा है, दुनिया उनके प्रेम को क्या है ना नजर नहीं लगा पाती और फिर भी वो दूर रहते हैं, उनके लिए जो एब्सेंस है वही प्रेजेंट होता है और उनके दिल में, उनके ख्यालों में उनकी जो प्रेमिका है हमेशा रहती है। तो अब देखिए आपका फोर्थ स्टैंजा है, बाय एब्सेंस दिस गुड मीन्स आई गेन। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं यानी जॉन डन कह रहे हैं कि गैर हाजिरी यानी एब्सेंस, गैर हाजिरी किसी भी तरह के प्रेम के लिए हानिकारक नहीं है। यानी पोएट का कहना है कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच की दूरी उन्हें हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकती, बल्कि ये दूरी एक प्रेमी और प्रेमिका के लिए फायदेमंद भी होती है। दैट आई कैन कैच हर, अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मैं कैन कैच हर, हर यानी उसे, कैन कैच मैं उसे कैच कर सकता हूँ, वेयर नोन कैन वॉच हर, जहां पर उसे कोई भी देख नहीं सकता, नोन वॉच हर यानी कि कोई भी उसे वहां पर देख नहीं सकता, मैं उसे वहां पर कैच कर सकता हूँ, इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माय ब्रेन, यानी मेरे ब्रेन यानी मेरे दिमाग के किसी एक कॉर्नर में मैं उसे कैच कर सकता हूँ, उसे टच कर सकता हूँ और वहां पर उसे कोई भी उसे देख नहीं पाएगा। कोई से यहाँ पे पोएट का कहना है कि दुनिया के कोई भी लोग मेरी प्रेमिका को देख नहीं पाएंगे। देयर आई इम्ब्रेस एंड किस हर, जहाँ पर मैं उसे इम्ब्रेस यानी गले लगा सकूंगा और उसको किस कर सकूंगा, एंड सो इंजॉय हर एंड नोन मिस हर, और वो बहुत इंजॉय करेगी, मैं उसके साथ इंजॉय करूंगा, एंड नोन मिस हर, इस वजह से मैं उसे मिस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो दूर होकर भी मेरे पास है और ये एब्सेंस मेरे लिए प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस पोएम में हमें जॉन डन ने क्या बताया कि अगर प्रेमी प्रेमिका दूर हैं तो उनका जो दिल का कनेक्शन है वो हमेशा रहता है, यहाँ तक कि वो मेरे ब्रेन में, ब्रेन के कोने में रहती है, मैं जिसे वहां पे हग कर सकता हूँ, उसे किस कर सकता हूँ, उसे टच कर सकता हूँ और दुनिया का कोई भी इंसान उसे देख भी नहीं सकता, इससे जो हमारा प्रेम है और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए वो मेरे पास नहीं भी है तो भी मैं उसे मिस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे दिल के और दिमाग के एक कोने में रहती है जहाँ पे मैं उसे टच करता हूँ, किस करता हूँ, हग करता हूँ, इसलिए मैं उसे मिस नहीं करता और ये एब्सेंस मेरे लिए प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको वर्ड बाय वर्ड इसको समझाने की कोशिश करूं
और स्टूडेंट इसके अलावा अपने बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के और यूनिट्स को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टूडेंट देखिए आपके सेमेस्टर में यानी आपके यूनिट्स में जितनी भी पोएम्स हैं मैं सबको कंप्लीट करा दूंगी। उसके अलावा उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ और करूंगी भी, और रेफरेंस कंटेंट एक्सप्लेनेशन के वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगी कि अगर एग्जाम में पूछ दे इसका एक्सप्लेनेशन करना तो आप किस तरह से करेंगे। तो इसलिए अपने वीडियोस को पढ़ने के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।